करना जिम्नास्टिक, बोल लो। अरे अप्पू ऐसे मत करो, देखो शीर्षासन जा रहा हूं मैं। सुनो अप्पू, तू क्यों परेशान हो रही है? किसी लड़के से करवा लूंगा ना बेटा। दो एक ही मिनट लगेगा, ये जो पहिया है ना शायद इसका नट लूज हो गया है। आप दलिया पियो। जिम्नास्टिक सुनो। इसी बहाने क्या होगा ना दद्दू, आपके पांव छूने का भी मौका मिल गया मुझे। जीती रहे बेटा, तुम्हारा बम जाके दद्दू के सर पे टिक गया है और सरगम भी वहीं पे। आज तो बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अरे शुभ शुभ बोलो, इससे पहले कि सरगम दद्दू के सर पे विग देख ले, चलो हम चल के विग पहन लेते। हम नहीं, तुम, क्योंकि गंजे तुम हो, हम नहीं। अरे अरे मेरी विक कहाँ है? दद्दू के सर पे ऊपर से गिर गई थी गलती से। मैंने उठाकर दोबारा ऊपर फेंक दी गलती से। एक काम करो, अब दोबारा ऊपर चले जाओ जल्दी से। हेलो किड, दद्दू एक काम बोलो ना, ये भी नहीं करता है ये। मुझे जाके लाना पड़ेगा। एक सेकेंड। अरे जाके किचन से जल्दी से पेचकस लेके आना, जल्दी जा जल्दी। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हार्ट टू बेक लेने आया। अरे तो मैंने नीचे फेंक दी दद्दू के इशारे पे। कहाँ? वो वहाँ खटिया के पास। एक से एक काबिल बैठे हुए इस घर में, और ये नीचे से विग ऊपर लेने आए थे, तूने नीचे फेंक दी। चलो चल। अरे इधर इधर से मत जाओ, सरगम भाभी होगी ना, उधर से दिमाग ठीक है आपका? ये लो दद्दू हो गया, अब घुमाओ इसे शताब्दी बनाकर। भाभी पेचकस अभी लेके आ रहे हैं, बन गया अभी। भाभी क्या है, डरा दिया? वो किचन में। हाँ पता है, किचन में रखना है। ये अप्पू भी ना, हॉट कॉफी को ना कोल्ड कॉफी बनाकर ही पिएगा। अप्पू अप्पू कॉफी मुझे जाके देना पड़ेगा अभी। अप्पू अप्पू कब से बुला रही थी तुम्हें, कहाँ थे? कॉफी बस आ ही रहा था मैं। एक सेकेंड, इतना हाफ क्यों रहे हो? वो एक्सरसाइज कर रहा था ना, ऊपर नीचे। सूर्य नमस्कार, ऊपर नीचे। फिट रहना जरूरी है ना, वरना तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा। नहीं
वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम पे मरने के लिए ना तुम्हारे बाल ही काफी है। चल झुट्टी। तुम्हारी बॉडी फिट रहे ना रहे, तुम्हारे बाल ना ऐसी स्मूथ शाइनी घने रहेंगे। और बीबी नागर शैम्पू के बाद तो मुझे इतना प्यार आ रहा है ना तुम पे। सरगम कंट्रोल कंट्रोल। तुम ना यार मेरे सामने बताओ। बाल बाल बचे। पापा ये ठीक है? क्या ठीक हूँ, जान निकल गई थी मेरी। तुम्हारे बाल बहुत सिल्की हो गए ना, नागर ब्यूटी शैम्पू का कमाल है। ऊपर से मैंने वो ऐसा हेयर ड्रायर मारा ना, कितने घने हो गए ना। तो फिर तुम अंदर चिल्ला क्यों रही थी? अरे पापा चूहा घुस गया था अंदर और मैं इतना डर गई थी, मैंने बंदूक से गोली मारने की भी कोशिश करी लेकिन मरा ही नहीं वो। और तुम तब से दरवाजा खटखटा रही थी ना, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? बेबी मैं गंजा हो गया। ए, सरगम सरगम पानी ला। साधा की ठंडा तू। बेबी ठीक हो? मेरा पुगंजा। पापा मेरा पुगंजा। रिलैक्स ना बेबी, इट्स फाइन। भैया मेरा पुगंजा। वो तो हम सुबह से देख रहे हैं। हाँ आपको भी आदत पड़ जाएगी। हुआ कैसे ये? ये अलौकिक। अलौकिक? मैं तो वीडियो बना रहा था, एकले में लगा रहा था शैंपू, लेकिन बॉटल अलौकिक भैया ने दी, इनको लगाया मैदान साफ, आपने लगाया कुछ नहीं हुआ। हाँ बॉटल अलौकिक भैया ने दी। कौन सा शैंपू लगाया था? सरगम की ये सारे साथी। ये रहा शैंपू। शैंपू की बोतल ये है, यहाँ पे लिखा है शैंपू। तो ये किस चीज की बोतल है? ये हेयर रिमूवल क्रीम है। तुम लोगों ने ये लगा दिया अप्पू के सर पे, बाल हटाने की क्रीम शैंपू समझ के लगा दी। निकल आया तुम्हारे भैया का चांद। अच्छा मैंने हेयर तक ही पढ़ा था, मुझे लगा आगे शैंपू ही होगा। इतना कौन पढ़ता है ना? अबे एक वर्ड ना पढ़ते कितना टाइम बचा लिया तूने। बोल नमूना। ये कौन सी दुनिया से आया है? मतलब अब हम कंपनी पे केस भी नहीं कर सकते। गए 12 लाख। करेक्ट, प्रोडक्ट्स तो अच्छे, चढ़ से उखाड़े भैया के बाल। हाँ एकदम शाकाल। तेरी तो इधर आ। सरगम की ये सारे साथी। एंजॉय योर डेट गाइस। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें गंजा देख के डिवोर्स दे दूंगी? क्यों, वो कॉलेज में गंजे राजवीर को बालों की वजह से ही मना किया था ना तुमने। भगवान तुम तब भी बुद्धू थे अब भी बुद्धू ही हो। उसको तो सिर्फ बहाना दिया था मैंने बालों का भगाने के लिए। सच्ची? ओए एक पनीर टिक्का लेकर आ ऊपर। बस लड़का निकल रहा है। झुको नीचे। अरे क्या कर रही हो बेबी? मैंने कॉलेज में बाल वाले अप्पू से प्यार नहीं किया था, तुमसे किया था।
प्यार में बाहर का पैकेज नहीं, पैकेज के अंदर का दिल देखते हैं। गीतू को भी यही बताने गई थी आज। तो मतलब हटा दूं? हाँ। अरे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बिना बालों वाले अप्पू के साथ कभी भी कहीं भी जाने में शर्म नहीं आएगी। हाँ सुनो, गंजे राजवीर का बर्थडे है, हम लोग को इनवाइट किया है फाइव स्टार होटल में, जाएंगे। अरे जाएंगे जाएंगे। मैंने सुना है अपने सर पे उसने बाल भी उगवा लिए। मुझे देखना है वो बालों के साथ कैसा लगता है। राजवीर के सर पे बाल, मेरे सर पे नो बाल, मेरे बाल, मेरे बाल, ए, ए, मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल। बारबेक्यू का बाल भी क्यों हो गया? हाँ तो वैसे भी हम थोड़ी बताएंगे, टीचर खुद बताएगी, बांडा फूट जाएगा। और टीचर आकर मिलेंगी भी सरगम से ही, अक्की की गार्डियन सरगम ही तो है। आशा ये सब सुन रहा है ना तू? शर्म कर जरा, तेरे बेटे के बारे में बात हो रही है। अभी उसकी माँ यहाँ होती तो सरगम को ये सब नहीं झेलना पड़ता। फुकर करो, वो माँ के हवाले नहीं है, वरना 39 भी नहीं मिलते। फेल होता हूँ, फेल। फेल वो तेरी वजह से होता, तेरा खून है उसमें। हम में कौन सा डोनाल्ड ट्रंप का है, आप ही का खून है। एक दूसरे का खून आप लोग बाद में पी लेना, फिलहाल टीचर पे फोकस करो। सरगम को टीचर से नहीं मिलने दे सकते। आस्तिक भैया, काश आपकी भी शादी हो गई होती, फिर हमारी एक और भाभी होती, उस भाभी को सरगम भाभी बना के टीचर से मिला देते, है ना? चुप। बेकार के आइडिया मत दे। नॉट अ बैड आइडिया। थैंक यू। अरे पापा, किसी को सरगम बनवा के टीचर से मिलवाते हैं ना। किसी को सरगम बनवा के? हाँ। लेकिन कौन बनेगा सरगम? मालिक मैं बनू? नहीं रिमझिम। तो सामने वाली पिंकी जी? अरे नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं बोलना, ये घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। अच्छा तो हम में से किसी एक को ही बनना पड़ेगा सरगम? मालिक मैं बनू? नहीं, हम में से कोई। हम में से एक्टर तो अप्पू एक तुम ही हो, तुम ही क्यों नहीं बन जाते? अरे भैया मैं बन जाता, लेकिन सरगम को घर से दूर रखना भी तो जरूरी है। जरा सोचो, 6 फुट की हट्टी कट्टी सरगम कैसी लगेगी? सरगम बेचारी ऐसी बिल्कुल एकलव्य जैसी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत देखो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मालिक मैं बनू? नहीं रिमझिम। अलौकिक, यही मौका है, बता दे तू भी काम का भाई है, बन जा सरगम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा। मालिक मैं बनू? नहीं रिमझिम। अरे अलौकिक मान जाओ ना, तुम्हें करना ही क्या है, बस टीचर से मिलना है और कहना है, मैडम हमारे तो होश ही उड़ गए थे इसकी मार्कशीट देखकर। इसके नंबर जितने आए हैं उससे कहीं ज्यादा तो रोटियां खा जाते हैं इसके पिताजी। और इसमें दोष भी इसका नहीं है ना, जिसका बाप ही फेलियर हो उसका बेटा क्या करेगा। बस यही तो बोलना है तुम्हें। ऐसा क्या देख रहे हैं पिताजी? इधर आ इधर आ। बहुत अच्छा किया तूने अभी। हाँ। तू ही बन जा सरगम। हाँ। हाँ। देखिए पिताजी, हम नारी के पास भी नहीं जाते, आप हमें नारी बनने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम महिला बनकर किसी महिला टीचर से नहीं मिलेंगे। अरे अवस्थियों की इज्जत का सवाल है। नहीं पिताजी, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। गुरुजी, तुझे तेरे गुरुजी की कसम, बन जा सरगम। तो फिर तेरा आस्तिक भैया ही सरगम बनेंगे। मेरी थिएटर वाली पेटी में से जो निकालना है निकालो विग वगैरह, लेकिन एक चीज याद रखो, 3 बजे टीचर आ जाएगी। मैं सरगम को लेके बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? काम पे लगो। अरे बनेगा तू, मैं क्या बनू मालिक, तू चलता बन। सरगम की ये सारे साथी। बेबी। अच्छा किया ना मैंने मम्मी को घर पे ही बुला लिया। बहुत अच्छा किया बेबी, तुम कभी कुछ गलत करती हो क्या? इसे बताओ फिलहाल क्या कर रही हो? बेसन का हलवा बना रही हूँ, अक्की इतने अच्छे मार्क्स लाए, कुछ मीठा बनाना तो बनता है ना, और मम्मी को पसंद भी है। तुम्हारे हाथ का मतलब? नहीं बनाओ बनाओ, घर वाले कितना खुश होके खाते हैं। तुम्हारी मम्मी को तो डबल खिलाऊंगा, डबल।
मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। मम्मी के हाथ में मार्कशीट, और जब मम्मी वो 89 मार्क्स देखेगी ना, तो मम्मी की तो शक्ल ही देखने लायक होगी। बेसन कहाँ रख दिया मैंने? नहीं है ना, लेके आते हैं। नहीं नहीं है, बेसन घर में है। मैं भी ढूंढवाता हूँ ना, मेरी भी तो सासू माँ आ रही है। दिख नहीं रहा मुझे, तुम्हें दिख रहा है क्या कहीं बेसन? हाँ ये रहा, ऊपर ही तो है। हाँ, निकाल दो ना प्लीज। साइड हो, गिरने वाला है। उतारने वाला हूँ ना, साइड हो जाओ। हाँ सारे साथी सरगम की है, सारे क्या बोल रहा है? अप्पू, अरे यार पूरा बेसन गिरा दिया। सॉरी बेबी, वो स्लिप हो गया। क्या सॉरी सॉरी सॉरी, अब कैसे हलवा बनाऊंगी मैं? चलो मार्केट से लेके आते हैं। बेबी कितना अच्छा मौसम है आज। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं, धीरे धीरे आराम से चौक तक जाते हैं, फिर धीरे धीरे आराम से चौक से वापस आते हैं, तब आके टाइम वेस्ट करेंगे। बेबी बिग कम करो, और मम्मी के आने से पहले ना वापस घर पे भी पहुंचना है। चलो। हाँ हाय कीतू, कैसी है? अरे मैं तो मार्केट आई थी यार। हाँ हाँ, वो थोड़ा कुछ सामान लेना था। भाई साहब ये एड्रेस बताइए ना। अरे ओके की टीचर, मम्मी चाय? चाची, नानी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। अक्की सॉरी दादू, सॉरी पापा, लेकिन चाची ने मुझे सच बोलना सिखाया है, और मैं सच ही बोलूंगा। हाँ एकदम सही बात है, बोलो क्या बोलना है? मेरे मैथ्स में 89 नंबर नहीं, 39 नंबर आए हैं। सॉरी चाची, मैंने झूठ बोला। बाय। मैं उठाती हूँ, एक मिनट। हाँ ढक्कन मैडम, ढक्कन। अक्की चाची, अरे ये चाची नहीं, चाचा है। अरे चाची है, देखो। अरे वो चाची है। एक सेकंड, आप कौन है? मैं आक्रोश की टीचर, और आक्रोश की जो चाची है ना, वो औरत नहीं है, वो मर्द है। हैं? हाँ वैसे आप कौन? मैं अक्की की चाची सरगम। हाँ? आप किसकी बात कर रही हैं? बेबी, वो तुमने मम्मी जी से शर्त लगा ली थी, और फिर तुम इतनी एक्साइटेड थी कि हम तुम्हें सच बता ही नहीं पाए, और उससे बड़ा डर मम्मी जी के तानों का। मतलब तुम सोचो, अगर उनको पता चल जाए कि कोई अवस्थी फेल होते होते बचा है, वो तो साल भर हंस हंस के ताने सुनाती ना हमें। बस इसी डर में हम 7.5 अवस्थियों ने ये झूठ बोला। तो किसी की मार्कशीट चेंज कर दोगे? मार्कशीट क्या, इधर पूरी चाची चेंज हो गई। पापा आप भी। बेटा हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। पर पापा गलत है ना, मैं ना पूरे साल मम्मी के ताने सुन लेती, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं मम्मी को? सरगम रिलैक्स, अब मुझे बोलने दो। नहीं मम्मी प्लीज। सरगम प्लीज, ऐसे कैसे शर्त हार गए हो तुम लोग? मेरा बोलना तो बनता है ना। बहुत मजाक उड़ाया मैंने तेरे ससुराल वालों का।
इन सबको खूब सारे ताने भी सुनाए हैं, लेकिन आज जो इन सब ने किया है ना, उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है बोलने के लिए। मम्मी प्लीज। सरगम, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस परिवार में आई हो। कैसे बिना सोचे समझे सब तेरे लिए खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे शर्त ना हारनी पड़े। अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, तू अकेली तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 7.5 अवस्थी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। लोगों की लाइफ में 7.5 बैड लक लेकर आता है, लेकिन तेरी लाइफ में ये 7.5 सिर्फ खुशियां भरने के लिए आया है। सॉरी, तो मैं भी बोलूंगी मम्मी, मुझे ना अक्की के मार्क्स पे शर्ट नहीं लगानी चाहिए थी। अक्की, तू चाहे जैसे भी मार्क्स लाए हो, तूने सच बोल के ना बेटे के टेस्ट में टॉप कर दिया। समदत जी, आप शर्त जीत गई, लेकिन आप आज से हमें कुछ नहीं सुनाएगी। आए, पुरानी बातें सब भूल जाइए। नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। कैसे भूल जाऊं? शादी में आप लोगों ने जो रायता फैलाया था, जीते जी किसी इंसान के लिए उसे भूल पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे, तंदूर उल्टा दिया था आपके बेटों ने रोटी पर लड़ते लड़ते। ओह माय गॉड। सुनो गधों। और वो आइसक्रीम वाला याद है आपको? उसने मुझे 3 गुना चार्ज किया था, यू नो व्हाई? क्योंकि आपके एक एक बेटे ने 12 आइसक्रीम्स खाई थी। पाइनएप्पल तो बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। भाई तो बोल रहा है कि चाचू चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए लाइफ में। अच्छा हाँ ठीक है, चलो मैं आती हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट? नहीं बेबी, आराम से आओ। नहीं, आज सिर्फ छोटा मोटा सामान ही लेना है, प्रॉपर शॉपिंग संडे को करूंगी। ठीक है, चलो बाय। बेबी छेदी, 1, 2, 3, 4, 5 जान ले लेगा। उसको अगर पता चल गया ना कि उसका पोता गलती से गुम हो गया है, छोड़ेगा नहीं। अरे दद्दू, डराइए तो मत। भाई अक्की को लेकर आ जाओ, सरगम 15 मिनट में घर आ रही है। और इस ट्रॉपिकल हीट और ह्यूमिडिटी में डिहाइड्रेट होते हुए ट्रांजिट करके अक्की को लाने का रिलेशनशिप मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। क्या बोल रहा है? 100 रुपये लगेंगे। अरे तो सीधे सीधे बोलना। ये पकड़ 100 रुपए, निकल। अबे निकल ना। और आप लोग, अगर सरगम का फोन आया तो कोई नहीं उठाएगा, सरगम से सिर्फ मैं बात करूंगा, ठीक है? सरगम की ये सारे साथी। ओए मेरी सोनिए, कैसी है तू? दस फिर आज की करिए तेरे लिए है? दस तारे तोड़ लावा, चांद फाड़ लावा मैं, दस। फिलहाल बैग पकड़ लो, उतना काफी है। होर दसो फिर की सेवा करिए तुहाडे वास्ते? चाह पानी, कॉफी शॉफी, मिल्क शेक वगैरह कुछ? इतनी खातिरदारी, पक्का कुछ गड़बड़ किया ना तुमने गुरुजी। मतलब कमाल कर रही हो बेबी, मैं तुम पत्नी हो मेरी, शादी की है तुमसे। नहीं, वो गड़बड़ी तो मैंने खुद की है ना, हटो अभी काम करना है। चल चल। अकी भूखा होगा, मैं सैंडविच बना देती हूँ। अक्की कहाँ भूखा होगा बेबी, वो तो सीनियर्स का भी खाना खा जाता है। अब नहीं खाता, वो पिछले पीटीएम, सॉरी पीटीएम ने ना सब समझा दिया उसे। सीटीएम? चाची टीचर्स मीटिंग। उसकी टीचर ना हमेशा मुझे देख के सेम जोक मारती है, आज तो चाची आई है, अब तो पीटीएम नहीं सीटीएम होगा। जोक नहीं था ये, मेरा तो मन करता है सुना दूं उन्हें कि पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, माँ की तरह तो मैं ही पाल रही हूँ ना। लेकिन एक पोलाइट सी स्माइल देके ना निकल आती हूँ। कितने उच्च विचार हैं बेबी तुम्हारे। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, बहुत मेहनत की ना तुमने आज, अक्की को मैं अटेंड करता हूँ ना, तुम रेस्ट करो। तुम कुछ ज्यादा अटेंड नहीं कर रहे हो आज मुझे। कहाँ है अक्की? आशा भैया कहाँ है अक्की?
छत पे, कमरे में, बाथरूम में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.